हेलो एवरीवन वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एविडेंस तो पहले फ़िजिकल एविडेंस क्या होते हैं फिजिकल एविडेंस कोई भी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट डेट थ्रू इट्स एग्जामिनेशन और एनालिसिस कैन स्टैब्लिश डेट अ क्राइम सीन हैज़ बीन क्रिएटेड एंड कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द कल्परेट हिज वेपन ऑफ अफेंस द विक्टम एंड द बॉड ऑब्जेक्ट सराउंडिंग इन द क्राइम सीन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी अगर हम एग्ज़ामिनेशन करें तो वो एक क्राइम हुआ है इस बात को वो प्रूव कर सके इस बात को बता सके कि हाँ यहाँ पे क्राइम हुआ है वो एविडेंसेस जो कि एक लिंक प्रोवाइड करते हैं वो एविडेंस मतलब जो क्राइम हुआ है ये बताते हैं तो क्या बताएंगे और किस तरह बताएंगे वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं किसके बीच में कि भाई कल्प्रेट कौन है वेपन कौन है मतलब वेपन क्या यूज़ किया है किस टाइप का ऑफेंस हुआ है विक्टिम कौन था फिर क्राइम सीन पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स थे तो वो सब कैसे कैसा तस्खिसा चलता है हमें कि भाई क्या वहाँ पर रहा होगा क्या हुआ होगा तो वो सब हमें एक जो एविडेंसेस हमें बाद में मिलते हैं क्योंकि हमें ने क्राइम होते हुए नहीं देखा है हम क्राइम होने के बाद वहाँ पहुँचे हैं या हमें बाद में इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ क्राइम कुछ हुआ है तो हम जो एविडेंसेस वहाँ पे मिलते हैं उनके थ्रू हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो एविडेंसेस ही होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे कल्प्रेट कौन था उसने कौन सा वेपन यूज़ किया है उस टाइम पे रूम पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे किस तरह था रूम की सिचुएशन जो भी था हमें वो सब एक एविडेंस ही से पता चलता है तो हमारे जो फ़िज़िकल एविडेंसेस होते हैं ना वो मेनली दो कैटेगरीज़ के होते हैं एक मूवेबल एविडेंस और एक फिक्स्ड एविडेंस मूवेबल एविडेंस में इंक्लूड हो जाते हैं हमारे जैसे हमें कोई कपड़ा मिल गया या फिर कोई वेपन यूज़ किया है चाकू वाकू छोटा सा या फिर कोई गन यूज़ करा है इन्होंने वो सब हो गया या फिर अगर हम कोई भी लगा लें कोई फ्लावर वास है कोई टेबल चेयर कोई हैंकी कोई खाने की प्लेट ग्लास तो ये सब क्या है हमारी सब मूवेबल चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से अपने साथ उठा के ला सकते हैं लैब तक कि हाँ इस पर हमें एविडेंस मिल सकता है हमने उसको पैक कर लिया उस चीज़ को हम ले गए लैब तक बट जो हमारे फिक्स्ड एविडेंसेस होते हैं जैसे कि कोई दरवाज़ा हो गया गेट पे दरवाज़े पे चांसेस होते हैं कि हमें फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं तो वो एक हो गया या फिर अगर दीवार हो गई दीवार पे किसी के फिंगरप्रिंट मिल गए हमें या फिर अगर कोई काफ़ी टाइम तक वहाँ खड़ा है ऐसे पैर टेक करके पैर के निशान लग गए वहाँ पर ठीक है अगर फ़र्श पर घूम रहे हो आप तो फ़र्श पे आपके फुटप्रिंट्स हो सकते हैं तो ये सब चीज़ें क्या ये इमूवेबल हैं ये फिक्स्ड हैं चीज़ें वहीं पे तो आप वहाँ से फ़र्श या दीवार उखाड़ के नहीं ला सकते ना तो वो चीज़ें वहीं पे फिक्स रहती हैं तो उन चीज़ों पर के लिए क्या करते हैं उन चीज़ों से हम उन एविडेंसेस को निकालने की कोशिश करते हैं मतलब उस एविडेंसेस को हम अपने साथ में उनकी हम ट्रेसिंग करते हैं और उन्हें हम अपने साथ फिर उस एविडेंसेस को लेके चलते हैं हम उस पूरी दीवार को या पूरे गेट को लेके नहीं जाते अपने साथ okay? अब जो तीन मेन बेसिक सोर्स है फ़िज़िकल एविडेंसेस के कि भाई एविडेंस हमने बता दिया कि भाई फ़िज़िकल एविडेंस होता है जो हमें क्राइम के बारे में बताएगा फ़िज़िकल एविडेंस फिक्स्ड होता है मूवेबल होता है बट फिज़िकल एविडेंस मिलेगा कहाँ हमें हमें यही पता होना चाहिए तो फिज़िकल एविडेंस जो है ये हमें बेसिकली जो मिलते हैं ये तीन उस पर मिलते हैं तीन सोर्सेज से मिलते हैं एक हमारा क्राइम सीन जो हमारा प्राइमरी क्राइम सीन जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है जो भी क्राइम हुआ है वो हमारा क्राइम सीन वहाँ पे हमें फ़िज़िकल एविडेंसेस मिलते हैं एक कल्परेट जिसने वो काम करा है जो भी जिसका चांसेस हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने क्राइम किया है तो हमारा वो कल्परेट हो गया और हमारा विक्टिम कि हाँ ये क्राइम इस पर हुआ है ठीक है तो ये तीन जो हैं ये बेसिक सोर्स हैं हमारे कि हाँ हमें इनसे फिज़िकल एविडेंस मिलने की और एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल एविडेंस मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे जो फ़िज़िकल एविडेंस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं उनका नेचर कैसा होता है कलेक्शन एंड पैकिंग तो इन सब का हमने टेबल बना दिया यहाँ पर ठीक है तो पहले हम बात करते हैं अपने बॉडी मटेरियल्स बॉडी मटेरियल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है बॉडी मटेरियल्स में जैसे अगर किसी की बॉडी है डेड बॉडी है कॉप्स है या फिर उस बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे कई बार काफ़ी क्या होते हैं कई बार काफ़ी सीरियस क्राइम्स हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो लोग बॉडी को ऐसे कट करके यहाँ अलग अलग जगहों पे इसको फेंक देते हैं अलग अलग जगह पे उसे छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर क्या कुछ आपस में कुछ लड़ाई हो जाए तो उसमें कुछ बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो वो सब चीज़ें हमें जो वहाँ पे क्राइम सीन पे मिल सकती हैं या फिर उनकी बॉडी फ्लूड्स बॉडी फ्लूड्स में हमारा ब्लड हो सकता है सीमेंट हो सकता है सलाइवा हो सकता है तो ये सब क्या है हमारे कॉमन बॉडी फ्लूड्स हैं जो मिलने के चांसेस होते हैं किसी क्राइम सीन पे तो इन्हें हम क्लट कैसे करेंगे इन्हें हम कॉटन स्वैब से क्लट करेंगे और जो हमारी कंप्लीट जो बॉडी के पार्ट्स हैं या एक डेड बॉडी है उसे तो हम उठा के लेके जाएंगे हैंड पिकिंग करनी है उनकी तो तो उनमें क्या है हमें एक तो अपने जो कलेक्शन करते हैं हम किसी भी एविडेंस के सबसे पहले हमें अपने हैंड ग्लव्स पहन के रखने हैं एंड अपना माउथ जो है मास्क से कवर करके रखना है कई बार क्या होता है हमें एकदम से स्नीज़ आ जाए कफिंग हो जाए हमें तो उसमें हमारे जो स्लाइवा वगैरह होते हैं या फिर हमारा कोई भी पार्टिकल्स हैं उससे उससे जो वहाँ के जो प्राइमरी एविडेंसेस हैं उन्हें कॉन्टामिनेट होने के चांसेस होते हैं तो इसलिए पहले हमें अपना पूरा एक प्रिकॉशंस रखने हैं एंड उसके बाद हमें एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू करना है एंड जो भी हमारे ये बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं ना हमारे बॉडी मटेरियल्स या फिर जो बोटैनिकल वाले एविडेंसेस हैं ये हमारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं तो इन्हें ज़रूरत होती है कि हमें पहले इन्हें हम एयर ड्राई करें एयर ड्राई करें उसके बाद हम इसे पैक करेंगे क्योंकि इन इन एविडेंसेस में बायोलॉजिकल एविडेंसेज जो होते हैं ना इनमें डिग्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ये टाइम के साथ साथ डिग्रेड होते जाते हैं और इसमें कई बार चांसेस होते हैं कि हमने एक सामान उसको हमने पैक कर दिया तो उसमें रखे रखे एक मोल्ड्स फॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाते हैं कि हाँ भाई फंगी वगैरह लग गई मोल्ड्स फॉर्मेशन हो गए उस एविडेंसेस में हमारे तो वो एविडेंसेस फिर कंटामिनेट हो गया हमें जो एक इन्फॉर्मेशन वो जितनी दे सकता था अब वो उतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो हमें पहले एविडेंसेस को एयर ड्राई करना है और उन्हें सिर्फ़ एयर ड्राई ही करना है आप उन्हें ऐसे सन में रख के ड्राई नहीं कर सकते कि आप उसको सन में रख के ड्राई कर लिया या फटाफट से उसे एक वो गर्म हीट दे दी उससे ड्राई कर लिया नहीं आप उसको एयर ड्राई करोगे आराम से रूम नॉर्मल रूम इन्वायरमेंट पे और उसके बाद आप उसे पैक करोगे उन्हें हम हार्ड प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं प्लास्टिक की काफ़ी हार्ड वाले मटेरियल्स की उन्हें ही उनमें हम इन्हें पैक करते हैं एंड जो हमारे अगर कोई लिक्विड सैंपल्स हैं हमारा जो आ, मतलब लिक्विड हमें होल ब्लड सैंपल मिल गया ये सब तो इन्हें हम वाइल्स में कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बोटैनिकल बॉटैनिकल में हमारे पास इंक्लूड हो जाती है हमारी लीव्स वुड्स पोलिन सीड्स तो ये सब हमारे आ जाती हैं बोटैनिकल में तो इन्हें हम जो हमारी ब्रश हो गई जैसे काफ़ी सॉफ्ट और जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना उन्हें हम ब्रश से या टेप लिफ्टिंग से इनसे कलेक्ट करते हैं और जो मेनली इसमें हम रबर टिप्ड ट्वीज़र्स यूज़ करते हैं कई बार क्या होता है काफ़ी वो चीज़ें काफ़ी फिज़ाइल होती हैं नेचर में अगर आप उन्हें नॉर्मली ऐसे हाथ से उठाओगे या फिर जो नॉर्मल हमारे जो मेटल ट्वीज़र्स होते हैं उनसे उठाओगे तो कई वो चीज़ें टूट जाती हैं ख़राब हो जाती हैं मतलब इनका औरिजिनल जो इनका है औरिजनैलिटी वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है मतलब तो इसलिए जो रबर ट्यूब ट्वीजर्स होते हैं हमें उनसे क्लट करना होता है उन्हें और उनको हमें एक ड्रगेस्ट फोल्ड में पैक करना होता है ड्रगेस्ट फोल्ड क्या होती है मतलब आप पेपर है आपके पास में एक आपने छोटा सा अपना एक पोलेंड का अपने सैंपल रख दिया वहाँ पर फिर कोई सीड रख दी छोटी सी तो उसको आपको बहुत सारी बार ऐसे फ़ोल्ड करते हैं ना पेपर को तो उसे हम ड्रगेस्ड फोल्ड कह देते हैं काफ़ी छोटी सी फोल्ड हो जाती है फिर उसकी क्योंकि हमारे पास सैंपल भी काफ़ी माइन्यूट क्वान्टिटी में है छोटा सा है तो बड़ा अगर हम पैकिंग करेंगे तो उसमें हमारा सैम्पल जो है वो मतलब कई बार होता है कि भाई एक्सपर्ट जो हमारे जो देख रहे हैं वो भी उस नेगलेक्ट कर दें कि भाई इतना बड़ा पैकिंग है तो इसमें तो और तो कुछ है ही नहीं अब छोटी सी पैकिंग होगी तो उन्हें पता है कि इसमें जो कुछ छोटा सा निकलेगा तो काफ़ी ध्यान से देखेंगे उस चीज़ को वो ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल्स जो हमारे केमिकल्स है केमिकल्स में हमारे पास एक्सप्लोजिव नार्कोटिक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब हमारे केमिकल्स में आते हैं तो इन्हें हमें एक प्रॉब की हेल्प से ही कलेक्ट करना होता है हम इन्हें नॉर्मली ऐसे हाथ वगैरह से नहीं कलेक्ट कर सकते हमें इनमें कुछ स्पेशल ग्लव्स पहनने होते हैं और एक प्रॉब है उसकी हेल्प से हम इनसे कलेक्ट करेंगे बिकॉज वो चीज़ें क्या हैं काफ़ी हज़ार डस भी हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है हमने नॉर्मली यूँ एक कोई एक्सप्लोजिव पड़ा है हमने सोचा उठा लेते हैं बट ऐसा नहीं होता है वो फट जाए आपके हाथ में या कुछ वैसा कुछ हज़ार डस केमिकल हो आपने टच किया और आपको इन्फेक्ट हो जाए उस चीज़ से तो उन चीज़ों को हम काफ़ी केयरफुली कलेक्ट करना होता है उन्हें हम पैक करेंगे एक ग्लास कंटेनर में और जो ये एक्सप्लोजिवस वगैरह होते हैं तो इन्हें पहले हमें बंद करना होता है मतलब अगर ये वर्किंग कंडीशन में है तो हमें पहले चेक कर चेक करवाना पड़ेगा कि ये वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इन्हें पहले बंद करा जाए डिफ्यूज़ करा जाए डिफ्यूज़ करके फिर पैक करा जाए फिर आते हैं हमारे वेपन्स वेपन्स में हैं हमारे पास फायर आर्म बुलेट्स नाइफ्स मतलब जो भी आप चीज़ किसी को मारने के लिए यूज़ कर रहे हो हथियार आपके जो हथियार वाले जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपके वेपन्स में आ जाती हैं तो इसमें भी हम एक मैग्नेट्स की हेल्प से या फिर जो हमारा प्लास्टिक ट्विजर्स है क्योंकि हमारी जो बुलेट्स होती हैं ना कई बार बुलेट्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं जो हमारी लेड बुलेट्स होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं तो उन्हें हम ऐसे मेटल ट्विजर से या हाथ से डायरेक्ट नहीं उठाएंगे उन्हें हम काफ़ी सॉफ्टली प्लास्टिक या रबर ट्विजर से ही उठाएंगे और उसे पैक जो करा जाता है इनको मेनली जो फायर आर्म्स वगैरह होती हैं हमारे नाइफ्स होते हैं तो इन्हें इनके एक पर्टिकुलर बॉक्स आते हैं काफ़ी पर्टिकुलर बॉक्स आते हैं उस पर दोनों तरफ में ऐसे रबड़ या स्पंज वगैरह लगी रहती है एंड काफ़ी बीच में एक केस बना होता है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग एक कि हाँ इसमें ये चीज़ पैक हो जाएगी तो उसी में उसे रखते हैं ताकि वो मूव ना हो ऐसा ना हो कि हमने उसको एक थैली में डाल दिया और यूँ जब तक लैब तक जा रहे हैं वो हिल हिल के हिल हिल के टूट टूट के वो पूरा ख़राब हो जाए वो चीज़ डैमेज हो जाए अपने आपस में ठीक है वैसे नहीं करना दोस्तों उसको एक काफ़ी एक अच्छे से केस में हम उसको पैक करते हैं ताकि वो मूव ना हो पाए नेक्स्ट ये हमारा टूल्स टूल्स में आ जाते हैं हमारे पास हैमर हो गया स्क्रूड्राइवर स्क्रूड्राइवर हो गया हमारी फिर वो जो खेत में हम यूज़ करते हैं वो कस्सी वगैरह वो सब तो वो सब क्या है वो सब चीज़ें हमारी टूल्स में आ जाती हैं मतलब जिन औजार जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं किसी काम करने के लिए तो ये सब इन सब को कैसे कलेक्ट करेंगे इन्हें हम नॉर्मली हैंड पिक कर सकते हैं या फिर एक मैग्नेट की हेल्प से हम इन्हें चेक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये यह चीज़ है कि नहीं है अगर हमें चेक करनी है तो कलेक्ट करने के लिए उसे और इन्हें भी हम एक प्लास्टिक बैग में या तो पैक कर सकते हैं प्लास्टिक एनवेलप्स जो होते हैं उनमें हम इन्हें पैक करते हैं या फिर फिक्सड बॉक्सिस में इन्हें हम पैक करते हैं फिर है हमारे पास इंप्रेशंस इंप्रेशंस में हमारे आ जाते हैं फिंगरप्रिंट टूल मार्क्स टिथ मार्क्स मतलब जिस भी चीज़ का ऐसे निशान पड़ा हो अगर आपने कहीं पर टच कर दिया तो आपके फिंगरप्रिंट्स पड़ गए कहीं पे पैर रखा हुआ है आपके फुट प्रिंट आ रहे हैं आपके शू प्रिंट आ रहे हैं कहीं लिप प्रिंट हैं आपके या फिर जो बाइटिंग वाले केसेस होते हैं उस तो उसमें आपके टीथ मार्क्स आ जाते हैं तो इन सब कलेक्ट जो हमारे इम्प्रेशन्स आते हैं उन इम्प्रेशंस को इसमें कई बार टूल मार्क्स इंप्रेशन्स भी होते हैं अगर भाई कहीं पर हमारी कोई स्क्रैच वगैरह लग गई या हम किसी चीज़ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर स्क्रैच के निशान आ जाते हैं उस टूल्स के तो वो सब हमारे टूल मार्क्स पर आ जाते हैं इसमें तो इन सही मार्क्स को हम एक पेंट ब्रश की हेल्प से कोशिश करते हैं लिफ्ट आउट करने की हम इन जम्प्रेशन्स होते हैं हमारे या तो हम इम्प्रेशंस को अगर वो मूवेबल चीज़ें हैं तो उन्हें एज़ इट इज़ पैक किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को हम वहाँ बैठ के इंप्रेशंस नहीं डेवलप करेंगे बट अगर कोई इमूवेबल कोई फिक्स्ड चीज़ है अगर कोई वॉल पे या फिर कोई हमारे दरवाजे वगैरह पे खिड़की पे इन चीज़ों पे इम्प्रेशन आए हुए हैं तो हम उसे वहीं पे ही स्पोर्ट पे ही लिफ्ट कर लेते हैं तो लिफ्ट कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई पाउडर मेथड अप्लाई कर तो हम पेंट ब्रश वग़ैरह का कर यूज़ करेंगे या फिर हम टेप लिफ्टिंग मेथड इन सब से हम उसे क्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड नेक्स्ट है हमारे पास फ़ाइबर्स फ़ाइबर्स में हमारे पास आ जाते हैं क्लोथ मतलब जैसे कि हमारे जो फाइबर्स में क्या आते हैं हमारे कपड़े आ गए या फिर जो एनिमल हेयर हैं वो आ गए रस्सी वगैरह आ गई तो ये सब क्या? धागे वगैरह किसी कपड़े के हल्के से धागे धागे रह गए कुछ है ना सो तो कई बार लड़ते हैं तो उसकी जेब का टुकड़ा रह गया हाथ में या फिर कोई छोटा सा एक धागा एक धागा रह गया आपके ऊपर ठीक है या फिर आपने कई फांसी हैंगिंग वगैरह के केस होते हैं तो आप जो भी आप लाइगेचर्स यूज़ करते हो तो उसके निशान साफ ही गर्दन पर रह जाते हैं हल्के बहुत छोटे छोटे फाइबर्स माइन्यूट रह जाते हैं आपके इसनेक पे कि हाँ ये वाला मटीरियल इन्होंने यूज़ किया होगा तो कलेक्ट कैसे करना है उन्हें कलेक्ट आप ब्रश से स्कैपल से स्वीपिंग से और टेप लिफ्टिंग से इन मेथड से आप उन्हें कलेक्ट करोगे और पैक करोगे एक पेपर एनवेलप में या फिर छोटे छोटे जो, जो प्लास्टिक बैग्स आते हैं उनमें ओके नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं करेंसी और जो हमारी मार्कशीट्स हो जाती हैं हमारे पेन्स हमारे टाइप राइटर्स ठीक है मतलब जो भी चीज़ें हमारी पेपर वर्क जो होता है ना डॉक्यूमेंट्स वाले जो वर्क हो गए तो हमारे जो टाइप प्रिटेड मटीरियल हो गया कुछ प्रिंटेड मटीरियल है हमारे पास कुछ कॉपी है हमारी पेन है हमारा इरेजर हो गया तो ये सब हमारे डॉक्यूमेंटेड मटीरियल्स में आ जाते हैं तो इन्हें हम हैंड पिक करेंगे या फिर जो रबर टिप्ड फोर्स है उससे उठाएंगे हम और मेनली अगर हम हैंड पिक कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम अपना ग्लव्स पहन के ही पिक करें ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है हमारे पास हमें सामने एक लेटर लिखा हुआ दिख रहा है तो उसमें तो कुछ हार्मफुल है ही नहीं है तो हमने हाथ से उठा लिया नहीं उस पर फिंगर हो सकते हैं उन इंसान के तो हमें उसे रबर टिप ग्लव्स पहन के या फिर जो फोरसेप्स है उसकी हेल्प से ही उसे पिक करना है ताकि जो उस पर फिंगर वगैरह है या फिर कुछ और भी सैम्पल्स मिलने के चांसेस हैं तो वो हम इजीली डेवलप कर सकें और इसे हम प्लास्टिक बैग और किस में पैक करेंगे विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड क्योंकि कई बार क्या होते हैं पेपर्स जो मिलते हैं हमें वो काफ़ी फ्रिजाइल कंडीशन में होते हैं तो ना कई बार एकदम काफ़ी पुराने पुराना कुछ मटेरियल मिल गया हमें या फिर कोई अगर बर्न या फिर चार्ट डॉक्यूमेंट है तो उसे हमें काफ़ी केयरफुली पिक करना होता है ताकि वो टूट ना जाए एकदम टूट के से बिखर जाते हैं कई बार पेपर्स जो जल जाते हैं तो उन्हें काफ़ी केयरफुली कंडीशन से हमें उसको उठा के पैक करना होता है नेक्स्ट है हमारे पास फायर मटीरियल फायर मटेरियल्स में कौन से आ जाते हैं मतलब जो भी मटेरियल्स जैसे आग लगने के लिए यूज़ करते हैं या फिर आग लगने के बाद जो बच जाते हैं जैसे कि हमारी जो भी फायर डैबरीज है मतलब कहीं पर आग लग उसके बाद जलने के बाद जो ही बच गया उस कमरे में मतलब कोई भी लोकेशन है आपकी क्राइम सीन वहाँ पे जो भी आपको डैबरीज मिल रही है जलने के बाद वो अपने कलेक्ट करनी है या फिर स्टोव वग़ैरह कलेक्ट करना है या फिर इनफ्लेमेबल्स मतलब जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ करी गई हैं एज अ इग्निशियन सोर्स के तौर पे तो वो सब आपका फायर मटेरियल्स में आ जाएगा उसे भी आप एक प्रॉब की हेल्प से ही कलेक्ट करोगे इन चीज़ों को आप डायरेक्टली हाथ नहीं लगाते हो ओके एंड इन्हें पैक किस में करना होता है इन्हें पैक करना होता है हमें पीवीसी बैग्स में मतलब स्पेशल बैग्स आते हैं पीवीसी बैग्स आपको उनमें इन्हें पैक करना होता है या फिर जो एयर टाइट प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनमें ठीक है नेक्स्ट वी हैव व्हीकल्स व्हीकल्स में आते हैं हमारे पास कार ब्रोकन ग्लासेज एंड कंप्यूटर्स इन्हें हम नॉर्मली हैंड पिक कर सकते हैं और हमें ध्यान देना होता है कि जो जितने भी इनकी एजेज़ हैं ना जिस शेप में ये टूटे हैं तो उनकी वो शेप ख़राब ना हो जाए हम उसको यूँ कहीं उठा के एक थैले में नहीं डालना है हमें इन्हें हमें ये करना है एक एक पीसिस को सेपरेटली उठाना है और पीसीस को सेपरेटली अलग से रैप कर, कर करके रखना है ताकि जो इनकी एजेस जो कॉर्नर्स जिस शेप में वो टूटे हैं न वो मेनटेन रह सकें नेक्स्ट वी हैव पॉइजनस पॉइजनस में हमारे पास पॉइजन की सिर्फ हमें पॉइजन नहीं देखना है कौन सा वो सिर्फ गोलियाँ पड़ी थी नीचे पिल्स हम उठा के ले आए पॉइ वो पिल्स भी उठानी है हमें साथ में सोचा कंटेनर रहा होगा मतलब या फिर जिसमें ग्लास में लिया उन्होंने कोई खाने में मिला के लिया वो प्लेट लेके आओ चम्मच मतलब जो भी कंटेनर है बॉटल वगैरह उनकी वो कंटेनर हमें साथ में ध्यान देना है पॉइजन के पिल्स हो गया पाउडर हो गई या फिर कोई नीडल्स वगैरह से सीरेंज से किसी को पॉइजन दिया गया है तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें तो इसे भी हम प्रॉप से कलेक्ट करेंगे या फिर एक ग्लास स्पून हमारे जो ये अगर लिक्विड फॉर्म में अगर हमें या पाउडर फॉर्म में पॉइजन मिल रहा है तो उसे हम ग्लास स्पून से कलेक्ट कर सकते हैं तो इन्हें भी हम एक ग्लास कंटेनर में ही पैक करेंगे या फिर अदर्स में आ जाते हैं हमारी बिलोंगिंग्स ऑफ कल्प्रेट एंड विक्टम अगर हमें वहाँ पे विक्टिम या फिर कल्प्रेट मिल रहा है तो उनके पास अगर हमें कुछ भी सामान मिल रहा है उनका फ़ोन उनकी घड़ी उनका कंगी पर्स बेल्ट मतलब वो सब जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं उसका हैंकी वगैरह तो वो सब चीज़ अदर्स में आ जाती है इन्हें हम नॉर्मली हैंड पिक कर सकते हैं या फिर अगर बॉडी पे कुछ लगा हुआ है तो उसे हम स्वैब करके कलेक्ट कर सकते हैं इन्हें भी हम पेपर एनवेलप में कलेक्ट करेंगे ओके तो ये तो हो गया हमारे एविडेंसीज के मतलब उसको कलेक्ट कैसे करना है और पैक कैसे करना है तो अगर हम आगे देखें उसकी प्रिजर्वेशन अब हमें हमने कलेक्ट कर लिया अपने अब हमने अपना एविडेंस जो है क्राइम सीन पे गए हमने उसे देखा हमने उसे कलेक्ट कर लिया कलेक्ट करके हमने उसे पैक कर लिया अब उसको प्रिजर्व कैसे करना है जो हमारे क्राइम सीन है ना क्राइम सीन पे अगर हम जब भी पहुँचते हैं या कोई भी हमें फिज़िकल एविडेंसेस हमने जो भी देखे सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी फोटोग्राफ हमें कोई भी क्राइम सीन पे या कोई भी फिज़िकल एविडेंस हमें दिख रहा है सबसे पहले हम उसकी फ़ोटोग्राफ लेंगे और फोटोग्राफ हम कैसे लेंगे फोटोग्राफ हम एक तो लेते हैं ओवरव्यू फोटोग्राफ मतलब हमने पूरे सीन की या पूरा एविडेंस जो भी हमारा एक कम्प्लीट एविडेंस है उसकी कम्प्लीट एक फ़ोटो ली फिर हमने उसकी एंगल फ़ोटो लेनी है कि हर एंगल से वो कैसा कैसा दिखता है एंड जिस पर्टिकुलर साइड पे या जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन फेस पे उसका मतलब मान लो अगर आपने कोई एक अलमारी कंसिडर कर लो आप आपने अलमारी की ओवरऑल फ़ोटो ले ली अलमारी की अपनी चारों साइड जितनी भी साइडें हैं अलमारी की उस पर चारों साइड से फ़ोटो ले ली एंड पर्टिकुलर सिर्फ जो सामने वाली साइड थी उन्होंने हैंडल पकड़ के उसको खोला था तो उस हैंडल पे कुछ उनके ब्लड के इंप्रेशन या कुछ भी लगा हुआ था स्क्रैचेस वगैरह तो उस पर्टिकुलर साइड की अब दोबारा से क्लोजअप फ़ोटो भी लोगे ओके okay, तो इससे क्या होता है इससे हमें उस चीज़ की पूरा शेप पता चल जाता है उस पूरे शेप में जो हमें पर्टिकुलर इम्प्रेशन चाहिए वो इम्प्रेशन कहाँ हैं वो पर्टिकुलर एविडेंस कहाँ हैं उसकी लोकेशन मिल जाती है हमें एंड उस अलमारी की पूरे क्राइम सीन पे लोकेशन कहाँ है हमें वो पता चल जाता है एंड उसके साथ साथ हम इसकी वीडियोग्राफी भी करते हैं मतलब जितने भी हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं हम उन सारे एविडेंसेस की उस कंप्लीट क्राइम सीन की हम एक वीडियोग्राफी भी करते रहते हैं एंड स्केचिंग स्केचिंग में आता है हमें कि हमने अपने पूरे क्राइम सीन की या पूरे एविडेंसेस जितने भी एविडेंसेज मिल रहे हैं पूरे एक एक एविडेंसिस की हमें स्केच बनाना होता है स्केच फॉर्मेशन करनी होती है इसमें हम लेबल्स करते हैं कि हाँ इतना डिस्टेंस जो है ये हमारा मतलब स्केलिंग कर जैसे ग्राफ्स में हम स्केल्स बनाते थे तो इसमें भी हमारी स्केलिंग्स रहेगी कि इतना सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतना मीटर या फिर कोई बड़ा एरिया है तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर आउट करेंगे ओके okay, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें डिस्टेंस मेजर कर देते हैं कि हाँ हमने एंट्री किया डायरेक्शन्स मेजर होती हैं उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस मेजर होता है कि इतना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है इतने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है तो इन ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है और जो है हैं वो ईज़िली पता चल जाती है एंड कास्टिंग अगर हमें कोई थ्री वो मिल रहा है थ्री डी स्ट्रक्चर मिल रहा है थ्री डी इंप्रेशन मिल रहा है अगर हमें कोई अगर मान लो कोई मतलब बाहर ग्राउंड है कोई तो कोई वेट ग्राउंड था तो उसमें ऐसे आपके शू प्रिंट के इंप्रेशन मिल गए हमें ओके तो वो सब क्या है उन चीज़ों को हम कास्ट कर सकते हैं उनको हम मेनली पीओपी की हेल्प से या फिर डेंटल स्टोन या फिर सिलिकॉन इन सब की चीज़ों की हेल्प से हम उसका एक कास्ट बना लेते हैं कास्ट बना के उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं और ट्रेसिंग कर सकते हैं अगर हमें घर के अंदर कोई टू डी इंप्रेशन मिल रहा है ऐसे कोई बाहर मिट्टी से आया कोई और मिट्टी के जूते वाले पैर के निशान फर्श पे रखे गए तो उस निशान की हम क्या है ट्रेसिंग कर लेंगे और ये सब जो चीज़ें हम करते हैं मतलब मान लो फोटोग्राफी हो गया कास्टिंग ट्रेसिंग तो इन सब को हमें एक स्केल और एक क्वाइन साथ में रख के तब इनकी हमें फ़ोटोग्राफी या कास्टिंग ट्रेसिंग करनी होती है उससे क्या होता है उससे हमें उस चीज़ की डायरेक्शन पता चल जाती है हमें नहीं पता ना जोतों के निशान हमने सीधा कर लिया तो उसको तो हमने तो बट कुछ निशान आते हुए हैं रूम में या रूम से बाहर जाते हुए हैं तो उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि वो किस तरफ फ़ेस करा हुआ था तो हम अपने अकॉर्ड तो फेस के लिए हम उसमें एक स्केल उसकी लेंथ मेजर करने के लिए और एक कॉइन ताकि हमें पता चले कि उसका सीधा किस साइड से था हम उसको बाद में घुमा दें हम उसको उल्टा डायरेक्शन से ले लें तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों को साथ में मैंशन करना होता है ये तो हो गया हमारे प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन के बाद है हमारे पास सर्चिंग मेथड्स ठीक है भाई हमने क्राइम सीन पे सब कुछ तो कर लिया बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो फ़िज़िकल एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं या ढूंढने हैं उन्हें हमें ढूंढना कैसे है बिकॉज कोई भी अगर एक आप घर में देखो अभी कोई चीज़ घूम जाती है तो आप कैसे ऐसे नॉर्मल ढूंढते रहते हो ना कि अच्छा यहाँ होगी यहाँ होगी यहाँ होगी बट हम फिज़िकल क्राइम सीन पे हम फिजिकल एविडेंस ढूंढना है तो हम ऐसे नहीं ढूंढ सकते हैं नॉर्मली हमें वहाँ पे क्या करना होता है हमें एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना होता है कि हाँ पर्टिकुलर डायरेक्शंस फॉलो करनी होती है कि हाँ हमें इस तरीके से इस पर्टिकुलर पैटर्न से ढूंढना है ताकि कोई भी स्पेस ना रह जाए बिकॉज घर पे आपको पता है कि आपको यही एक चीज़ ढूंढनी है और आपने उसे ढूंढ लिया बट किसी क्राइम सीन पे जा रहे हो आपको नहीं पता कि आपको ढूंढना क्या है एग्जैक्टली exactly. आपको सब कुछ देखना है वहाँ पे और तो सब कुछ देखना है सब कुछ कवर करना है तो आपको उस पूरे क्राइम सीन को अच्छे से कवर अप करना है आपको वहाँ पर कोई खाली जगह नहीं छोड़ सकते तो इसके लिए यहाँ पर हम स्पेसिफिक मैथड्स यूज़ करते हैं और जो ये मेथड हैं वो डिपेंड करते हैं क्राइम सीन टू क्राइम सीन पे अब कुछ क्राइम सीन इंडोर हैं कुछ आउटडोर हैं कुछ बहुत बड़े एरिए में हैं कुछ होगा भाई छोटा सा एरिया है या फिर भाई पर्टिकुलर सिर्फ इस इस बेड बेड पे ढूंढना है आपको तो वो सब अकॉर्डिंगली हम अपने मेथड्स जो हैं वो चूज़ करते रहते हैं तो जैसे कि हमारे पास पाँच यहाँ पर डिफरेंट मैथड्स हैं स्पायरल मैथड लीनियर मैथड ग्रिड मैथड जोन मैथड एंड व्हील मैथड तो इनमें है क्या पहले बात करते हैं हम स्पायरल मैथड की स्पायरल मैथड जो है इसमें क्या होता है इसमें एक स्पायरल एक रिंग टाइप बनी होती है सर्कुलर फॉर्म में या तो आप यहाँ से अंदर से या बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं इसमें या फिर आप बाहर से अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं और ये मेथड जो है ये मेथड मेनली यूज़ किया जाता है अगर कोई एक बहुत बड़ा आउटडोर वाला एरिया है मतलब आउटडोर इंडोर दोनों में यूज़ कर सकते हैं इसे हम बट कोई अगर लार्ज एरिया है जहाँ पे कोई फिज़िकल बैरियर वगैरह नहीं है मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा सा एक खाली हॉल है तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो इस मैथड को छत पर यूज़ कर सकते हो छत पर भाई कोई बैरियर नहीं है पूरी छत खाली है वहाँ यूज़ कर लिया आपने या फिर बाहर कोई ग्राउंड है काफ़ी जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं ना बच्चों के खेलने वाले वो काफ़ी खाली रहते हैं तो उनमें आप यूज़ कर सकते हो इस मेथड को ठीक है तो ये मेथड क्या है कम्प्लीटली ये सारे भी जितना भी यहाँ पे एरिया है वो सबको कवर अप कर लेता है फिर नेक्स्ट है हमारे पास लाइन और स्ट्रिप मेथड लाइन और स्ट्रिप मेथड क्या है ये मेनली हमारा बेस्ट माना जाता है आउटडोर सीन्स के लिए इसे हम इंडोर में यूज़ नहीं कर सकते इतना इसमें क्या है इसमें पर्टिकुलर एक लाइन से आपको मूव करनी होती है लाइन से मूव करते हुए आप पूरे ग्राउंड को कवर अप करते हो सिर्फ़ आप एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो कि हाँ आपने यहाँ से शुरू किया डायरेक्शन से तो उसी को कवर अप करते हुए आपको दूसरे एंड तक जाना है और जो ग्रिड मेथड है ग्रिड मेथड को हम बेसिकली डबल लाइन सर्च मेथड कहते हैं वहाँ पे सिर्फ आपको एक डायरेक्शन से शुरू कर कर के दूसरे एंड तक जाना था बट ग्रिड मेथड में आप दो डायरेक्शन से वर्क कर रहे हो एक आपने लेफ़्ट से राइट right वर्क करा और दूसरे में आपने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल वर्क करा मतलब यहाँ पे दो डायरेक्शन से आप मूव कर रहे हो यहाँ पे सिर्फ आप एक डायरेक्शन से शुरू करा आप दूसरे डायरेक्शन तक गए आप एंड यहाँ पे आप दोनों डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हो देखिए स्लाइन मेथड में आपने जस्ट यहाँ से सिंपल यू स्ट्रेट यू मूव करना है आपने एंड ग्रिड मेथड में आप ऐसे भी मूव कर रहे हैं साथ के साथ आप ऐसे भी मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ओके सर नेक्स्ट हमारे पास है तो इसको ज़्यादा बेटर माना जाता है हमारे लाइन मेथड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये बट इसमें ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है नेक्स्ट है हमारे पास जोन मैथड जोन मैथड जो है हमारा ये पर्टिकुलर है हमारा फोर अगर इंटरनल इन इंडोर में अगर कुछ सर्च uh, करना है आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर आपको पता है कि इस बिल्डिंग में आपको सर्च करना है या इस घर में आपको सर्च करना है इस रूम में आपको सर्च करना है अगर एक फिक्स बाउंड्री है तो वहाँ पे आप जोन मेथड यूज़ करते हैं एजे जोन आपके जैसे आप ग्राफ में नहीं वन टू थ्री फोर जोनस आप साइड कर लेते हो तो वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं जोन्स तो यहाँ पे आपने चार जोन बना लिए कोई ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो वहाँ पे आपने इसको छह जोन बना लिया ऐसे मतलब सिर्फ एक वो होता है एक पर्टिकुलर फिक्स बाउंड्री है फिक्स बाउंड्री के अंदर अगर आपको सर्च करनी है तो आप जोन मेथड लोगे से काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है अगर इनडोर सर्च करना है तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास व्हील और पाई मेथड व्हील और पाई मेथड जो है ये बेस्ट है हमारा स्मॉल और सर्कुलर क्राइम सीन्स के लिए अगर क्राइम सीन जो है सर्कुलर है और छोटा सा है कि हाँ हमारे पास छोटा सा एक अंदर सर्कुलर वे में कुछ हमने फॉर्मेशन कर रखा है घर में या बाहर हमारा गार्डन है सर्कुलर हमारा गार्डन है छोटा सा तो उसके अंदर सर्च करना है बस आ, पर ये ज़्यादा इतना अच्छा नहीं माना जाता इस सीन को इस क्राइम क्राइम सर्चिंग मेथड को क्यों क्योंकि इसमें अंदर ये जो खाली स्पेसिस है ना ये खाली स्पेसिस हमारी ब्लैंक रह जाती है इसमें हम सर्च नहीं कर पाते क्यों क्योंकि आपने सिर्फ या तो आप इनडोर से आउटडोर गए या फिर आप आउटडोर से इनडोर गए इसमें बट जो ये बीच की जो खाली स्पेस हैं ये रह जाते हैं इसको कवर अप नहीं कर पाते हम बिकॉज काफ़ी डिस्टेंस लार्ज होता है बाकी सब में तो क्या था इन डिस्टेंस में ही सर्च कर रहे थे हम बट इसमें सिर्फ हम बाउंड्री पे उस पर जो हमारी पाइप या व्हील बन रहा है हम सिर्फ उस पर सर्च कर रहे हैं हम जो बीच का जो एरिया है वो हमारा ब्लैंक रह जा रहा है ओके सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट है हमारे पास चेन ऑफ़ कस्टडी अब चेन ऑफ हमने देखा हमने क्या क्या देखा हमने क्राइम सीन पे हम पहुँचे हमने उसकी फोटोग्राफी ले ली हमने उसको फिर क्लक्ट कर लिया पैक कर लिया प्रिजर्व कर लिया हमने सर्चिंग मेथड देख ली कि हमें उसको सर्च कैसे करना है अब हमने जो वहाँ पे अपने एविडेंसेस को हमने पैकिंग कर ली उसकी हमने प्रिजर्वेशन कर ली अब उस एविडेंसेस को हमें अपने पास नहीं रखना है हमें उस एविडेंसेस को एक लैब में फॉरवर्ड करना है लैब में गया वो एविडेंस फिर लैब में क्या करना लैब में जाकर उस एविडेंसिस की फिर एनालसिस होगी उसकी टेस्टिंग हो गई टेस्टिंग होने के बाद फिर उसकी रिपोर्ट बनेगी फिर वो रिपोर्ट जा करके कोर्ट में जाएगी एंड तब उस केस पे वो रिज़ल्ट आएगा कि वो जो रिपोर्ट है हमारी वो उस केस को सपोर्ट कर रही है एंड वो केस जो है वहाँ पे सॉल्व आउट हो गया तो एविडेंसिस का इतना चेन एक फॉलो होता है अब जो ये एविडेंस कोर्ट तक पहुंच रहा है कोर्ट को कैसे पता होगा कि एविडेंस जो है ये वही एविडेंस है जो क्राइम सीन से कलेक्ट होकर होके आया था या फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई या किसी आ, किसी ने अपने उससे एक भेज दिया कि नहीं ठीक है वो एविडेंस तो हमारा से कलेक्ट करने गए नहीं थे आप लो आप मेरी वाली ये ले, ले जाओ मतलब हमें वहाँ पे एक हैंकी मिलना था क्राइम सीन पे वो हैं हमारा मिसप्लेस हो गया या फिर कोई मिसगाइड करना चाहता है कि इसको तो उसने क्या दूसरा हैंके भेज दिया कि लो मेरा हैंके ले लो उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया और हमने कह दिया कि भाई रिपोर्ट हमें भेज दी कि रिज़ल्ट नहीं फैला तो कोर्ट को भी कुछ एक चाहिए लीगली कि हाँ हम कैसे माने कि ये जो एविडेंस है ये वही एविडेंस है जो क्राइम सीन से कलेक्ट हुआ था और बीच में इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुई है तो इसके लिए एक चेन ऑफ कस्टडी है चेन ऑफ कस्टडी क्या है द प्रोसेस डेट इज़ यूज टू ऑथेंटिकेट एविडेंस ये जो एक प्रोसेस है जिसको यूज़ किया जाता है एविडेंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए मतलब एविडेंस जो है हमारा इसको एक लीगल मान्यता देने के लिए कि हाँ ये एविडेंस जो है हमारा ये ऑथेंटिक है मतलब ये सही है ठीक है इन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ द टर्म चेन ऑफ कस्टडी रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच आइटम्स ऑफ एविडेंस हैव बीन हैंडल्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस providing that an item has been properly handled through an unbroken chain of custody is required for it to be legally considered as evidence in court इसमें क्या है इसमें हमें ध्यान देना होता है कि हमारा जो एविडेंस है वो एक पर्टिकुलरली हैंडल्ड हुआ है इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हुई वहाँ से प्राइमरी जिसने कलेक्ट करा फिर वो लैब में आया लैब में फिर वो साइंटिस्ट के पास गया उसने इसको चेक किया दोबारा से उसने दिया पुलिस को पुलिस ने जाके फिर उसे कोर्ट में सबमिट करा तो उस पूरी प्रोसेस के दौरान वो जो प्रॉपरली उसकी हैंडलिंग हुई है और एक स्नेक मतलब एक चेन जो है मेंटेन रखी है तो उस चेन को कहा जाता है चेन ऑफ़ कस्टडी एंड वो चेन ऑफ़ कस्टडी मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारा एविडेंस जो है कोर्ट में प्रूव हो सके वरना अगर चेन ऑफ़ कस्टडी कहीं पे भी बीच में ख़राब हुई या डैमेज हुई या फिर बीच में अगर किसी ने कुछ गड़बड़ हुई है तो उस एविडेंसिस को फिर कोर्ट में नहीं माना जाता उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है अब देखो चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है चेन ऑफ कस्टडी जैसे एक पीस ऑफ पेपर होता है और यहाँ पे ना जितने जितने भी जो जो भी रिसीव करता है इसे उन सब के साइन होते हैं डेट टाइम मतलब पूरा अच्छे से हो सब के सबके भाई जिसने रिसीव किया देखो यहाँ पे एक एक पैकेज बनाया हुआ है इस पैकेज के ऊपर भी लिखा हुआ है चेन ऑफ कस्टडी एविडेंसेस के लिए तो यहाँ पे करना क्या होता है एविडेंस हमने कलेक्ट collect करा कलेक्शन के बाद में उसको फिर एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया लैब में लैब में एग्जामिनेशन हुई उसकी अनालसिस जो रिपोर्ट आई हमारी वो गई पुलिस के पास में पुलिस ने फिर पूरा चेक करा कि हाँ क्या क्या रहा है तो केस का क्या रहा होगा फिर वो चीज़ कोर्ट uh, में गई तो कोर्ट वाले उन्होंने चेक करा तो कोर्ट ने जज ने फिर इसको देखा तो जज क्या करेगा कोई भी एविडेंस होगा उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसकी चेन ऑफ कस्टडी को चेक करा जाएगा कि हाँ स्टार्टिंग से अब तक जो एक मेंटेन रहता है लीगली कि हाँ इस कि जिस बंदे ने कलेक्ट करा उसके डेट और साइन आएंगे उसके बाद जिसने फिर लैब में सबमिट किया उसके डेट और साइन जो जो रिसीव करता जा रहा है उन्हें उनके आते जाएंगे डेट और साइन क्योंकि जहाँ पे भी अगर जिस भी स्टेप पे जाके अगर गड़बड़ हो रही है तो पता चल जाता है कि हाँ इस स्टेप तक ये लीगली चीज़ें ऑथेंटिक थी हमारी इस स्टेप के बाद में यहाँ गड़बड़ हुई है तो मतलब इस पर्टिकुलर बंदा जो भी है उनकी वजह से हुआ है ये हमारा जो एविडेंस है वो खराब हुआ है या तो ओके सो दिस इज़ ऑल हमें हमने अपनी जो चेन ऑफ कस्टडी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी एक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए बेसिक यही है इसमें सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरी वन एंड होप कि आप सबको चीज़ें ईजिली मैं समझा पा रही होंगी एंड अगर किसी को रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो थैंक यू फॉलोअर